इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर्स से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयां मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेंपल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में मंगलवार दोपहर को तेज हवा के साथ बारिश ने दी दस्तक। इससे शहर का मौसम ठंडा हो गया, जिससे मानसून से पहले संतरा नगरी के लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। बताया जाता है कि यह मानसूनी बारिश नहीं है, ऐसे में अब किसान के मानसून के आने का इंतजार कर रहे हैं। इस साल मानसून भारत में समय के पहले आ गया, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र और विदर्भ में मानसून ने मंगलवार को दस्तक देना शुरू कर दिया है। दो दिन तपती गर्मी के बाद नागपुर में मंगलवार दोपहर को आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही देर बाद तेज हवा के साथ बारिश ने दस्तक दी। हालांकि बारिश शुरू हो गई है, लेकिन मानसून अभी तक विदर्भ में नहीं पहुंचा है। दोपहर को मौसम में हुए बदलाव के बाद बरसने वाली बारिश या मानसून से पहले रिमझिम बरसने वाली फुहारे है। मंगलवार को दोपहर बाद शहर में तेज हवा के साथ जगह जगह जोरदार बारिश हुई, जहां अनलॉक के बाद शहर में बाजार खुलने लगे हैं। ऐसे में मंगलवार को तेज बारिश के दस्तक ने खलबली मचा दी। इसके बाद कई जगहों पर दुकानों के टीन शेड और पेड़ भी टूटकर गिर गए। कई जगह मार्ग पर पानी जमा हो गया। मौसम विज्ञान विभाग ने दी जानकारी के अनुसार हालांकि महाराष्ट्र में मानसून आ गया है, लेकिन विदर्भ में मानसून के आने में अभी 5-6 दिन और लगेंगे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।